अस्सलामुअलैकुम जी, मैं ठीक, आप सब भी ठीक होंगे। यार थोड़ी सी ग्रॉसरी शॉपिंग करने जा रहा था तो मैंने कहा इसका भी ब्लॉग कर लेते हैं। घर से जब निकले ना हम तो सिर्फ एक चीज़ आने वाली थी, और जब हम इधर पहुंच गए ना गैलरी है, अब एक लिस्ट बन गई है लंबी, जिसमें कोई कमो बेश 10 चीज़ें होंगी। और स्पेशल चीज़ मैंने आज बनानी थी तो उसके लिए ब्रेड लेने जा रहा हूँ। लंबे बर्गर नहीं होते वो वाले जो सबवे में होते हैं, सबवे सैंडविच में, तो मैं एक स्पेशल सैंडविच बनाता होता हूँ। आई होप्स अगर आप मेरे हाथ का बना हुआ वो सैंडविच खाएंगे ना तो आप कहेंगे सबवे सैंडविच से ज़्यादा अच्छा वो सैंडविच है। तो सॉसेज और चिकन वगैरह घर पड़ा हुआ था, सिर्फ ब्रेड लेने आया हूँ। तो अभी आए देखें ब्रेड के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हम ले लेते हैं, और घर जाके आपको बना के दिखाऊंगा सैंडविच कैसे बनता है और कैसा बनता है। आ जाए पार्किंग में जा रहे हैं नीचे, क्योंकि पार्किंग का सब सिस्टम नीचे है, तो नीचे कर पार्क करके तो फिर हम आराम से ऊपर जाएंगे। अभी देने की एंड पे जाके अभी देने तो चेंज करी थी, और किधर पड़े देखे हम कार्ड दे दिया। एग्जिट के ना करीब खड़ी करें, करते हैं गाड़ी तो आके वापसी पे चीजें में रखनी थी। जगह मिल गई हमें एट लास्ट। आज बहुत ज्यादा आज लेकिन है भी ट्यूसडे है ना, आज ट्यूसडे है लेकिन फिर भी आज बिल्कुल सारी जैसे पार्किंग फिल थी। अच्छा तो हम गैलरी है कि यह पार्किंग में आ गए। मैंने अपने भाई से पूछा था आज क्या डे है, तो हैदरा क्या डे है आज? इश्किया लग रहा है आज, इश्किया लग रहा है, वो ड्रामा है रवि पे। हमने ना ड्रामों के साथ डेज याद किए हुए हैं। इश्किया लग रहा है मतलब आज ट्यूसडे है। ट्रॉली नहीं लेनी? ट्रॉली तो ले लो। ये कारपुर के ये वाले बंद नहीं है। नहीं मैं ग्रैनुलर चाहिए ना, आ जाए फिर वापस। मुझे बस कुछ है ही है ना। अच्छा हम कारपुर के अंदर गए तो वो बंदा कहता आप अंदर जाके शूट नहीं कर सकते, वो हर जगह के अपने रूल्स होते हैं। तो मैंने अंदर जाके शूट नहीं किया, सिर्फ दो तीन चीज़ों के क्लिप्स डाले हैं मैंने बस, वो भी बस मैंने कहा डाल लेते हैं। मैंने उस जो पास बंदा खड़ा था उससे पूछा था। तो यार अभी ग्रॉसरी थोड़ी सी की है, इनके पास चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं, जो चीज़ें चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं मिली। और अब ये सामान मैं रखने जा रहा हूँ गाड़ी में, गाड़ी के बाद ऊपर से दो तीन जगह। ग्रॉसरी रखने जा रहा हूँ गाड़ी में, रख के दोबारा हमें जाना है ऊपर, ग्रॉसरी रख के ऊपर जाऊँगा मॉल में।
हमें कितने मसाले नहीं आए लेकिन हमें सिर्फ जैसे चिकन टिक्का मिला। मैं ये मॉल में काफ़ी अरसे बाद आया हूँ, तो आज मैं जब मास्क पहने बहुत अरसे बाद पहना है, और मास्क पहन के मुझे इतनी उलझन हो रही है ना, सांस नहीं आ रहा। अरे मैंने मास्क उल्टा नहीं सीधा पहना हुआ। और ये यहाँ पे वैसे मेजोरिटी सबने मास्क पहना हुआ है, ये जिन्होंने नहीं पहना उन्होंने नहीं पहनना, जो मर्जी कर लें, लेकिन मास्क पास। और वैक्सीन भी लगवाएं, लाजमी तौर पर वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन मैं मुझे तो फर्स्ट डोज लग गई है, सेकंड डोज का भी वेट है। सेकंड डोज मुझे उम्मीद है मुझे 10 to 15 days के अंदर अंदर ना 1166 पे डालूंगा मैसेज आ जाएगा। अगर आपने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई 1166 पे मैसेज करें अपना आईडी कार्ड लिख के, तो आपको वैक्सीनेशन की डेट प्लेस और बता देंगे। मैं वेट कर रहा हूँ अपने भाई का, वो गया हुआ है जॉकी, हमने कोई ट्राउज़र शॉर्ट्स देखनी थी, तो मैं उसका बाइक खराब वेट कर रहा हूँ और मैं आप लोगों से मैंने कहा बातें कर लूँ। अच्छा मैं जॉकी भी आया था, मेरा भाई इंदर आया हुआ था, तो यहाँ पे भाई थे एक, तो उन्होंने उनकी आई लैशेज ना बहुत लंबी थी, तो मुझे लगा कि उन्होंने कुछ लगाया। मैंने उनसे पूछा भाई आपने कुछ लगाया हुआ, तो भाई कहते नहीं मैंने लगाया नहीं हुआ, हमारे सब फैमिली की ऐसी हैं। भाई दिखाएंगे, दिखाना ज़रा अपनी आई लैशेज। ये देखें भाई की आई लैशेज बहुत लंबी हैं, इतनी मैंने आई लैशेज अभी तक किसी की नहीं देखी। और भाई कह रहे हैं हमारे घर में सबकी इतनी लंबी लंबी हैं, तो ये पूरी तो व्लॉग का एंड करना मैं भूल गया था, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, एंड अल्लाह हाफिज़।